अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उमर फारूक आज एक नई वीडियो के साथ जो कि कैनवस पेंट पर मुश्तमिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक स्पेशल पर्सन हूं और अपनी हॉबी से अर्निंग करता हूं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि आप कैसे अपनी हॉबी से अर्न कर सकते हैं। किसी भी काम में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मार्केट में बहुत से रास्ते मिल सकते हैं आपको। अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके आप मुख्तलिफ शॉप पर जाएँ और अपनी प्रोडक्ट उनको दिखाएँ कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट क्या है, और इसी बेस पे आप उनसे एक अच्छा रेट ले सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट आपको वीडियो में यही पेंटिंग जो मैंने बनाई है मैं मार्केट में जाके सेल आउट करने के टिप्स भी दूंगा ताकि आप इससे अर्निंग भी कर सकें। लेट्स सी दोस्तों, मुझे इसके लिए 2x4 की कैनवस, उसके साथ रेड, पर्पल्स, लाइट ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ये एक्रेलिक कलर्स, ब्रश 1.5 इंच का, 1 इंच का, ये दरकार होंगी। इसी की मदद से पहले मैं बैकग्राउंड बनाऊंगा, फिर मैंने एक डाई बनाई हुई है, उस डाई को इसके ऊपर रख कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखूंगा। लेट्स सी, ये मैंने बेसिक कलर्स यूज करने जा रहा हूं। डबल कलर को यूज करें, रेड मल्टी शेडेड इसमें आपने टॉस देने हैं। नोकला ब्रश लें ताकि जो ब्रीक चीज़ें हैं उसको फिनिशिंग की तरफ आ जाए। पानी में डिप करके ब्रश को रफ करें। मल्टी शेडेड कलर यूज़ किए हैं इसमें मैंने, और क्योंकि इस्लामिक आर्ट है, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर लिखने हैं।
इसकी फ़ाइनल पिक्चर बैकग्राउंड की है। इसके बाद मैंने एक डाई के ज़रिए इसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कटिंग करके रखा था वो रखा है, और उसके बाद थंब पिन इसके ऊपर पेस्ट किए हैं। एक कलर सिल्वर कलर का जो कि मैंने बनाया है। इसके बाद मैंने ब्रश से इस डाई के अंदर कलर किया है और ये पिक्चर इसकी निकली है। और अब इसका बॉर्डर लगाना है वाइट कलर से ताकि जो इसमें गैप्स आए हैं। और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल शक्ल आई है। बहुत शुक्रिया जनाब मेरी इस वीडियो को लाइक करने।